12th क्लास, लेट वी डू वन थिंग मोर इन फिजिकल एजुकेशन. आप पिछली वीडियो मैंने आपको सीन किया, दैट इज़ ऑफ फिक्सचर ऑफ इवन नंबर ऑफ टीम्स बाय टेबलर मेथड. आज अब हम करेंगे इस वीडियो में ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ टीम्स बाय टेबलर मेथड. राइट, नंबर ऑफ टीम्स वी हैव टेकन 7. नंबर ऑफ मैचेस आर, फॉर्मूला वही लगेगा, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, कैलकुलेट करके वी गेट 21. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या रहेंगे वहाँ पर, रोज एंड कॉलम्स. जहाँ ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती हैं तो एन प्लस टू हो जाता है, इवन में एन प्लस वन होता है, ऑड में एन प्लस टू होता है. नंबर ऑफ राउंड्स जो हो जाएंगे, जब ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती हैं तो जितनी टीम्स होती हैं उतने ही राउंड होते हैं. गॉट? अब हम बनाएंगे इसका फिक्सचर, कैसे मैचेस बनेंगे. सेम वे जैसे पहले हमने पिछले वीडियो में किया. अब यहाँ पर क्या है, नाइन कॉलम्स एंड रोज बताया गया हमारी कैलकुलेशन में. सी, नाइन रोज एंड कॉलम्स, सेम वी आर डूइंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब हमने सबसे पहले क्या काम करना है, जैसे उसमें किया था, हमें इसको इसके साथ यहाँ जहाँ जहाँ ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस, वहाँ से मिलाते हुए बिल्कुल इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड कर देना है. इट इज़ राइट. अब हमारी नंबर ऑफ टीम्स है 7, कॉलम्स है 9, 9 में से एक हमारा कट हो गया, इज इट. यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट वाले में बाय, पहले लिख लो आप, यहाँ इधर भी और यहाँ भी बाय. उसके बाद बाकी कॉलम कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट. ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी, करेक्ट. इसमें अब हमें क्या बनाना है कि फर्स्ट राउंड, अब काउंटिंग लिख लो, 1 जो क्रॉस है उस कॉलम में नहीं, उस बॉक्स में नहीं जाना, 2 3 4 5 6 7, 7 ही राउंड आने थे हमारे, 7 यहाँ हो गए. 2 के नीचे क्या आता है, 3 के नीचे 4 5 6 7. अब यहाँ 7 है, यहाँ नीचे क्या आएगा, वही चीज़ जैसे पहले की, ये 1 के नीचे क्या आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए था ना, 3 से पहले या 1 के नीचे 2 आना चाहिए था, वो यहाँ आ जाएगा, करेक्ट. अब हम यहाँ पर नीचे बना लेते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7, करेक्ट. 7 राउंड्स हो गए हमारे. इसमें हम लिखेंगे कौन कौन से हो गए हैं. अब यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जहाँ काउंटिंग 1 लिखी है, हमने उसी को देखना है. 1 में कौन कौन सी टीम्स का मैच हो रहा है, ए बी, तो यहाँ लिखो आप ए बी, ठीक है. उसके बाद 2 की बारी आती है, 2 में कौन सा हो रहा है, ए सी, लिखो यहाँ ए ए सी, कॉमा लगाते जो. यहाँ पर क्या है, 3 में ए डी, ए डी. नंबर 4 में ए ई, ए ई. नंबर 5 में ए एफ, करेक्ट, ए एफ, ए एफ हो गया. नंबर 6 ए जी, नंबर 6 हो गया ए जी. अभी एक छोटा सा डिफरेंस आएगा, नंबर 7 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ क्या हो रहा है, ए टीम को मिलेगी बाय, मतलब बिना मैच खेले ये आगे चला जाएगा अगले राउंड में, ए को मिल गई बाय 7 नंबर राउंड में, ठीक है जी. अब हम इसी तरह से अगले भी लिखते चले जाएंगे, रिटन पार्ट बाद में करते हैं, पता लग गया आपको कैसे लिखना है, पिछली वीडियो से भी क्लियर हो जाएगा. 5 6 7, 7 के नीचे आएगा 1, यहाँ 2 के नीचे क्या आना चाहिए, 5 से पहले क्या आएगा, जो क्रॉस है बॉक्स वो यहाँ पहुँच गया जंप करके, 7 1 2, और यहाँ क्या आना चाहिए था, 6, 5 के नीचे 6 या 7 से पहले 6, कुछ भी मान के चलो, ये 6 यहाँ पर आ गया, 2 3, 7 के नीचे क्या आना चाहिए था, 1 या 2 से पहले क्या आना चाहिए, 1, जो क्रॉस है कॉलम बॉक्स, सॉरी जो बॉक्स क्रॉस है वही लेना है, 3 का 4. अब इधर क्रॉस है, 2 के नीचे क्या आना चाहिए था, 3, और इधर यहाँ 4 के नीचे क्या आना चाहिए,
फाइव, ये फाइव यहाँ पर आ गया है ना, वही चीज अब जिस जिस मैच जहां जहां जिसको बाई मिल रहा है वी विल राइट ओवर हियर। सारा लिखा गया मैचेस जैसे आपको समझाया उसी तरह से एज इट इज लिखना है। अब ये देखो बाई भी सबको मिल गया, ई को मिला, बी एफ सी जी, या यहीं देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हर राउंड में एक टीम को बाय मिला है, डिफरेंट डिफरेंट को मिला है, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, अब हमें रिजल्ट कैसे निकालना है, रिजल्ट निकालने के लिए आपको पता है जो विनर टीम होती है उसको मिलते हैं 2 पॉइंट्स, लूज़र को मिलता है 0 पॉइंट, और अगर मैच टाई हो जाता है तो 1-1-2 ईच टीम। ईच टीम मीन्स एंटायर 7 टीम्स को नहीं मिलेगा, जो जिन टीम्स के बीच का मैच टाई हुआ है उन दोनों को 1-1 मिलेगा, और जितना भी जिसका स्कोर होता है उसको हर मैच के रिजल्ट को टोटल करके उस टीम के, और उसमें जो सबसे ज़्यादा वाला होता है स्कोर वाला दैट इज़ विनर, जिसका स्कोर नंबर 2 पर आता है फर्स्ट रनर, जिसका स्कोर सेकंड नंबर पर आता है वो हो जाता है सेकंड रनर। क्लियर, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, हर एक राउंड में एक एक बाई मिला हुआ है, काउंट करें 1 2 3 7 राउंड्स हैं, 3 7 21 21 ही हमारे कैलकुलेशन में आए हैं, और जो है आपका बाई भी एक 7 राउंड्स ही बने हैं, एक एक टीम को हमारी हर बार में हर राउंड में बाई मिलती चली गई है 1-1। क्लियर, अब आप लोगों ने अपने आप से 9 टीम्स का 11 टीम्स का इस तरह से फिक्स्चर बना के देखना है जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लो। गॉट, गुड लक, हौसला नहीं हारना है, अपनी मेहनत जारी रखो, एग्ज़ाम्स भी होंगे, रिजल्ट भी आएगा, शाइन अप भी होंगे आप लोग। हैव अ गुड डे।